हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ एमएफए किंग। सो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन, प्रति वीडियो लो आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन अने इंट्रोडक्शन उंटा चूडंडि, अट्ला उंटदि मन तो। सो गाइस, माय फाइनल एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, सो दानि कोसम प्रिपरेशन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस కొంచెం చేంజ్ కాదు, మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ అయిపోయింది. నౌ వి ఆర్ ఎట్ ఓపెనింగ్ సెరమనీ ఆఫ్ అమాన్ ఫిట్నెస్ జిమ్. సో గైస్, నాకు ఇన్విటేషన్ వచ్చింది, సో నేను వచ్చాను అమాన్ ఫిట్నెస్ జిమ్కి. సో మొత్తం జిమ్ చూపిస్తాను. ఈరోజు ఓపెనింగ్ అనేది ఉంది గైస్. జిమ్ వచ్చేసి మనకు ఇది మన బస్ స్టాండ్ పోయే రోడ్. ఇక్కడ నుంచి మనం పోతే బస్ స్టాండ్ పోవచ్చు. నెక్స్ట్ గైస్, ఇది వచ్చేసి మనకు మన కాలేజ్ గ్రౌండ్ భువనగిరిలో. కాలేజ్ గ్రౌండ్ నుంచి జస్ట్ అపోజిట్ మనం చూడవచ్చు, ఇక్కడ అమాన్ ఫిట్నెస్ జిమ్ మనకు బోర్డు కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈజ్ హియర్ గైస్, ఆన్ ద టాప్ ఫ్లోర్. యు కెన్ సీ ఇట్ హియర్ గైస్, యు కెన్ సీ ఇట్ హియర్, అమాన్ ఫిట్నెస్ జిమ్. Story's over now, I must conclude.
I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. और मैं यहाँ पर आया हूँ हैदराबाद से। जी हाँ, मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ और मैं जो है ना काफ़ी साल से बॉडी बिल्डिंग फील्ड में हूँ। लगभग 20-22 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। पहले इतना क्रेज़ नहीं हुआ करता था बॉडी बिल्डिंग का और फिटनेस का, लेकिन अभी कुछ साल से जो है ना बहुत लोग आगे बढ़ चढ़ कर इसका हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा कोविड में काफ़ी हम लोगों ने जो है ना काफ़ी लोगों को खो दिया। क्यों खोया? उनका बॉडी में इम्यून सिस्टम कम था। हो सकता है इम्यून सिस्टम से भी हमारी बॉडी की हमारी डेथ हो सकती है, लेकिन हम चाहिए कि हम हमारा 100% जो है ना देना चाहिए हमारी बॉडी को, हमारी सेहत को, हमारी हेल्थ को। तो मैं आप जितने भी भोनगीट वाले हैं, जितने भी ये लोग ये मेरी आवाज़ या इस चैनल के ज़रिए से मैं BCN पूरा नाम क्या बताइए BCN चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरी आवाज़ सुनेंगे आप लोग जो है फिटनेस की तरफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और जितना हो सके और अच्छे से अच्छी अपनी सेहत बनाइए। क्योंकि कोविड जो है ना चला गया, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, हमारा इम्यून सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी ज़िंदगी के लास्ट तक भी पहुँचेगा। तो पहले डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है अच्छे से वर्कआउट करिए, अच्छे से डाइट खाइए, तब जाकर हमारी जो है ना सेहत रहेगी। और जितने भी यहाँ के यंगस्टर्स हैं, नौजवान लड़के हैं या लेडीज़ है, ये जो है ना जिम में यूनिसेक्स रखिए जिम को। मैं जो है ना सजेस्ट करता हूँ कि यूनिसेक्स रखिए, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए जो है ना सेहत बहुत ज़रूरी है, सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए और यंगस्टर्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि जितने भी लोग जो है ये अल्कोहल, ये वीड, ये सिगरेट वगैरह स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, ये बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। मैं एक इंडियन आर्मी का फिटनेस कंसल्टेंट हूँ। मैं काफ़ी साल से जो है ना बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी एज जो है ना मैं काफ़ी बढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई आप जितना बढ़ते जा रहे हैं उतने कम लग रहे हैं। तो उसकी एक ही वजह है कि मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं बल्कि फिटनेस में हूँ। तो मैं जितने भी लोग ये आवाज़ मेरी जाएगी या सुनेंगे तो आप लोगों से दरख्वास्त है, अपील है, सारे लोग आप लोग जो है ना फिटनेस की तरफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और तो और यहाँ के जो इक्विपमेंट आए हैं ये बहुत ही बेहतरीन इक्विपमेंट है और जो मैन्युफैक्चरर है वो एकदम प्रोफेशनल है। तकरीबन 20-22 साल से जो है ना इस फील्ड में है और काम कर रहे हैं और इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों के लिए सिर्फ ये भोनगीट में जो जिम खोला गया है आप लोगों की वजह से जो है ना आप लोगों के लिए खोला गया है। तो जितने भी लेडीज एंड जेंट्स फिटनेस की तरफ वेट लॉस करना चाहते हैं या फिट करना चाहते हैं अपनी बॉडी को, इम्यून सिस्टम अगर अच्छा करना चाहते हैं और बीमारियों से बचना अगर चाहते हैं, ये शुगर बीपी जो भी चीज़ें हैं इससे अगर बचना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना जल्द से जल्द अमान फिटनेस यूनिसेक्स जिम में आइए, एडमिशन लीजिए और अपनी बॉडी को करिए मजबूत। और इसीलिए कहता हूँ स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग और जय हिंद। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहान फिटनेस राइट। तो इनका YouTube चैनल है, आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर जो है ना बताइए कि आप लोग को जो है ना फरहान इंटरटेन कर रहे हैं या कुछ फिटनेस विटनेस के बातें हैं या फिर आपको इंटरटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर बताइए। और तो और बॉडी बिल्डिंग की तरफ आइए, फिटनेस की तरफ आइए, ये बेकार के जितने भी चीज़ें हैं उसको छोड़िए, इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग रखिए। तो जितने भी हमारे कोविड वगैरह हमारे यानी अब कोविड हमारे साथ ही रहने वाला है इसलिए हमारा बोल रहा हूँ, और भी कोविड के जैसे बहुत सारे चीज़ें आएंगे तो आप लोग जो है ना बच के रहिए और जो है ना ध्यान रखिए, जहाँ कहीं भी जाइए ज़रा साफ़ सुथरा जो है ना खाइए,
खाइए पिए और सोइए, इसलिए कहता हूँ फिट रहिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर विलेज सर, एंड मेरे चैनल को थोड़ा सा और प्रमोट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। पैसे होते फिर। So guys, that was the opening ceremony of Aman Fitness Gym. Guys, I request all you, please visit the gym and do workout. As the fitness trainer was Kim, and I am chepparu ela ante mottham fitness meda fitness chaala important mana kosam, so fitness lo involve gandi and yo guys going back to home, so enjoyed a lot, chaala enjoyment ayindi and good experience for me. Going back to home, ఇంటికి వెళ్దాం, వెళ్ళినాక వెళ్దాం, అండ్ టుమారో ఇస్ మై ఎగ్జామ్, టుమారో బోర్డ్ ఎగ్జామ్ పెట్టుకొని నేను అన్నీ చేసుకుంటున్నా, ఇక దేవుడు చూసుకుంటాడంతా. సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ 8:00 నౌ, సో అన్నం తిందాం తినేసి ఇక పడుకుందాం. గైస్ బ్యాక్ టు హోమ్, చేర్స్ మై లో, సో ఇంటికి వెళ్దాం, ఇంటికి వెళ్ళినాక లెట్స్ హ్యావ్ అవర్ డిన్నర్ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ చెప్తున్నా నేను చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినా ఆయన మాటలకు, అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఆన్ మై ఫిజిక్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఫర్ మై ఫిట్నెస్, రిగార్డింగ్ మై ఫిట్నెస్ అండ్ ఈ వీడియోలో అంతే వ్లాగ్లో, టుడే వ్లాగ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ గైస్, అండ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ దిస్ వ్లాగ్, అందరితో షేర్ చేయండి అండ్ అందరితో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఫిట్నెస్ గురించి చాలా ఆలోచించండి గైస్. యాజ్ హీ సే, కోవిడ్ టైంలో ఇమ్యూనిటీ చాలా మనకు అవసరం ఉండే, సో ఇమ్యూనిటీ కావాలంటే ఫిట్నెస్ ఇస్ ద కీ ఫర్ ఇమ్యూనిటీ. ఎస్, ఐ విల్ సే లైక్ దట్. సో గైస్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ నైట్, సారీ గుడ్ నైట్ ఫర్ మీ, గుడ్ మార్నింగ్ ఫర్ యూ, బాయ్.